विनय दत्ता एंड यू आर वाचिंग दत्ता एजुकेशनल एकेडमी. ओके सो ऑलरेडी आई हैव टॉट ट्रिक्स नंबर 1 to 9. ऑलरेडी यू हैव लर्न सीन मे बी ट्रिक्स नंबर 9 तक हो गया है. इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का जो स्पोकन पोर्शन है, स्पोकन पोर्शन के ट्रिक नंबर 1 to 9 ऑलरेडी फिनिश. नाउ ट्रिक्स नंबर 10. दोज डिड नॉट सी द ट्रिक्स नंबर 1 to 9, यू हैव टू सी फर्स्ट. ओके सो ट्रिक्स नंबर 10 है शुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुड? शुड का मीनिंग है करना चाहिए. तो हाउ डू वी हैव टू यूज शुड व्हेनेवर वी विल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज देन दैट टाइम्स ओनली. हाउएवर शुड मतलब करना चाहिए, तो हम कैसे यूज करते हैं शुड का? जब कभी हम बातें करते हैं किस तरह से ये वर्ड यूज करना है. देखिए शुड का मीनिंग करना चाहिए. करना चाहिए मीन लेना चाहिए, देना चाहिए. जो भी एक्शन है उसे एक्शन के साथ में चाहिए बोल देने का, बाकी कुछ भी नहीं है. लेना चाहिए, देना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, लिखना चाहिए, जो भी है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्या आपको पुष्पा के साथ डांस करना चाहिए? आप बोलेंगे आपको अगर करना चाहिए तो आप बोलेंगे हाँ मुझे पुष्पा के साथ डांस करना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे ना मुझे पुष्पा के साथ डांस नहीं करना चाहिए. तो फॉर्मूला कैसे देखो, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो पहले आपको शुड बोलना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना. सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, आई यू वी दे ही शी राम सीता हरी राम. उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाना है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछने के बाद आप क्या उत्तर दोगे? एक तो हाँ में, अदरवाइज ना में. हाँ में उत्तर देना है तो बोलेंगे यस, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस शुड लगाना है, उसके बाद में वर्ब आफ्टर इसके बाद में ऑब्जेक्ट. और नो में आंसर देना तो नो फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट. शुड के साथ में नॉट है, शुड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्चुअली शुड प्लस नॉट इक्वल टू शुडंट होता है, आप डायरेक्ट शुडंट भी बोल सकते हो. नो उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में शुडंट, उसके बाद में प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एक एग्जाम्पल से जुवान स्टूडेंट्स भी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन यू सॉरी क्या आपको पुष्पा के साथ डांस करना चाहिए? शुड यू डांस विद पुष्पा? आप क्या बोलेंगे? यस आई शुड डांस विद पुष्पा, अदरवाइज नो आई शुडंट डांस विद पुष्पा. ओके सो दिस लाइक ओनली. अभी हमें स्पोकन स्किल देखना है. स्पोकन स्किल मतलब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे. देखो बात ऐसा है कि शुड एक मॉडल वर्ब, एक्चुअली मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इनके साथ में सभी सब्जेक्ट लगेगा, कोई टेंशन नहीं है. आई भी लगेगा, इधर डॉग भी लगेगा, कुत्ता भी, मतलब सभी सिंगुलर भी, प्लूरल भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी, सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी वर्ब लगेगा, सभी सब्जेक्ट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो शुड आई, देखिए शुड आई डांस मींस क्या मुझे डांस करना चाहिए. शुड यू डांस, क्या आपको डांस करना चाहिए. शुड वी डांस, क्या हमें डांस करना चाहिए. शुड दे डांस, क्या वे लोगों को डांस करना चाहिए, तो नाचना चाहिए, जो भी है. शुड ही डांस, क्या उस लड़का को डांस करना चाहिए. शुड शी डांस, क्या उस लड़की को डांस करना चाहिए. शुड राम डांस, क्या राम को डांस करना चाहिए. शुड सीता डांस, क्या सीता को डांस करना चाहिए. शुड डॉग डांस, क्या डॉग को डांस करना चाहिए. मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट लिया उसी तरह से आपको, और यहां से मैंने सिर्फ एक ही वर्ब लिया, राइट, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है. पूरे सब्जेक्ट लेना है और एक एक करके पूरे एक एक करके हर एक वर्ब को लेना है. इसके अतिरिक्त तो भी कमेंट में आप बाकी जो भी आपकी शब्द, जो भी दूसरा वर्ब है, वो वर्ब के साथ में आप ऐसा प्रैक्टिस करके ऐसा सेंटेंस लिख के दिखाइएगा, भेजिएगा. ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में सोच यानी रिकॉल कीजिएगा इसका मीनिंग. ओके और फिर क्वेश्चन के साथ में, जैसे आपने शुड से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के साथ में आपके आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका आंसर. तो आंसर देते समय जैसे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आंसर आप दो प्रकार से दोगे, एक तो यस अदरवाइज नो. अगर आपको यस नहीं देना है तो यस बोलना है, फिर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ बेस्ट बीच सब्जेक्ट के बाद में शूट लगा देना है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के बदले में आपका फुल स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, देखिए चलिए तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है. जैसा जैसे पूछा शुड वी डांस, क्या हम लोगों को डांस करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, यस वी शुड डांस, राइट. दिस लाइक यस आई शुड डांस, यस यू शुड डांस, यस वी शुड डांस, यस दे शुड डांस, यस He should dance. Yes, she should dance. Yes, Ram should dance. Yes, Sita should dance. Yes, dog should dance. This like only. Okay. Yes, I should go. हाँ मुझे जाना चाहिए. Yes, you should go. हाँ तुम्हें जाना चाहिए. Yes, we should go. हाँ हमें जाना चाहिए. Yes, they should go. हाँ वे लोगों को जाना चाहिए. Yes, he should go. हाँ उस लड़का को जाना चाहिए. Yes, she should go. Yes, she should go. मतलब उस लड़की को जाना चाहिए. Yes, Ram should go. हाँ राम को जाना चाहिए. Yes, Sita should go. हाँ सीता को जानी चाहिए. Yes, dog should go. हाँ, dog को जाना चाहिए. तो आपको समझ, मतलब किसी भी सिंगुलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है. ये हो गया यस में.
नो में आंसर देना है तो कैसे देना है, बस आपको यहाँ पर नो लिखना है और शुड नॉट लिखना है, अदरवाइज शुड नॉट लिखना है, क्योंकि शुड प्लस नॉट इक्वल टू शुड नॉट, आप दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, नो आई शुड नॉट डांस, नहीं मुझे नहीं डांस करना चाहिए। नो यू शुड नॉट डांस, नहीं आपको डांस नहीं करना चाहिए। नो वी शुड नॉट डांस, नहीं हमें नहीं डांस करना चाहिए। नो दे शुड नॉट डांस, नहीं वे लोगों को डांस नहीं करना चाहिए। नो ही शुड नॉट डांस, नहीं उस लड़का को डांस नहीं करना चाहिए। नो शी शुड नॉट डांस, नहीं उस लड़का को डांस नहीं करना चाहिए। नो राम शुड नॉट डांस, नहीं राम को डांस नहीं करना चाहिए। नो सीता शुड नॉट डांस, नहीं सीता को डांस नहीं करना चाहिए। नो डॉग शुड नॉट डांस, नहीं कुत्ता को डांस नहीं करना चाहिए। इस तरह से जैसे मैंने पूरे सब्जेक्ट लिया और इधर से एक वर्ब लिया, उसी तरह से आप फिर से पूरे सब्जेक्ट ले सकते हो, एक एक वर्ब से ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मे बी वॉट एवर आई टॉट ऑलरेडी, मे बी यू हैव अंडरस्टूड। ओके, and those did not see previous video, they have to see previous video, automatically you will understand, automatically you will learn English speaking, because it is very simple way. मैं पूरे के पूरे सिंपल वे में आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, आप बहुत ही इजी मेथड में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, अपने साथ में चलना है, ठीक है, थैंक यू। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।